हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है टू वे कनेक्शन ऑफ लाइट। मतलब एक बल्ब को हम दो जगह से किस प्रकार ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे कि एक बटन को हमने जैसे प्रेस किया तो बल्ब कैसे ग्लो करने लगेगा, दूसरी तरफ से ऐसे प्रेस किया तो बल्ब कैसे ऑफ होगा, तो इसको हम देखेंगे। एक तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल जीटी वाले इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशन में। बेसिकली टू वे कनेक्शन ऑफ लाइट के लिए हमें एक सर्किट डायग्राम की रिक्वायरमेंट होगी। तो सर्किट डायग्राम कैसे होगा, जैसे कि इसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले टू वे स्विच। टू वे स्विच ये हमको चाहिए, दो स्विच चाहिए सबसे पहले, है ना। इसकी जो क्वांटिटी होगी, नंबर ऑफ क्वांटिटी, वो होगी टू, होगी टू वे स्विच की। फिर एक इसमें चाहिए, एक होल्डर चाहिए हमको। होल्डर के साथ साथ एक हमको उसमें प्लग चाहिएगा। ये आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार है, अगर आप प्लग का यूज़ करना चाहते हैं तो प्लग का यूज़ कर लीजिएगा, वरना लाइफ तार को भी हम इसमें अटैच कर सकते हैं। तो प्लग के साथ साथ अब देखते हैं हम इसमें कैसे किस किस प्रकार, मतलब इसका ये सर्किट डायग्राम है। तो सबसे पहले मान लीजिएगा ये तीन पिन होते हैं टू वे स्विच में, और ये स्विच नंबर वन ये पहला हो गया, स्विच नंबर वन इस प्रकार हुआ, और स्विच नंबर टू ये इस प्रकार हुआ, स्विच नंबर टू। तो इसमें हम क्या करेंगे कि फेस और न्यूट्रल ये हमारे दो वायर हैं, तो सबसे पहले इन दोनों वायर को ऐसे का ऐसे छोड़ेंगे, जिससे पहले इसका जो वायर है ये वाला, इसको इससे अटैच कर देंगे, इसके फर्स्ट पार्ट से डायरेक्ट इसके इससे अटैच कर देंगे। इससे अटैच करने के बाद में क्या होता है, ये जो हमारा बल्ब है जिसको हमें ऑपरेट कराना टू वे स्विच से ही, ये बल्ब का सिंबल ऐसे होता है। तो इसमें दो वायर लगे निकले हुए होते हैं, तो इस वाले वायर को इसके साथ अटैच कर देना, मतलब मिडिल पार्ट के टर्मिनल पे, और इसको इसके मिडिल पार्ट के टर्मिनल पर कर देना है। अब इसको हम ऑपरेट करने के लिए सप्लाई या तो हम स्विच वन से भी दे सकते हैं और स्विच टू से भी दे सकते हैं। इसकी सप्लाई के लिए हम क्या करेंगे कि फेस को हम इसके फर्स्ट टर्मिनल के लिए दे देंगे और न्यूट्रल को हम इसके सेकेंड टर्मिनल पर दे देंगे। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जैसे हमने स्विच वन को ऑन किया, मतलब प्रेस किया ऑन की डायरेक्शन में, तो हमारा ये वाला जो बल्ब है वो ग्लो करने लगेगा, और इसी कंडीशन में ये ग्लो तो कर जाएगा। अगर इसको कहीं दूर से, दूसरी जगह से अगर इसको ऑपरेट करना है दूसरे स्विच के थ्रू, तो इसको जैसे हम अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे पुश करेंगे इसको, तो ये बल्ब ऑफ हो जाएगा। तो फिर दोबारा इस प्रोसेस को जैसे जैसे रिपीट करते रहेंगे, तो वैसे वैसे ये मतलब काम, मतलब प्रॉपर काम करेगा ये। तो इसका एक सर्किट डायग्राम तो ये है। दूसरा डायग्राम पता क्या होता है इसमें, ये तीन है, स्विच वन, स्विच नंबर टू, ये आपका बल्ब हो गया। तो कुछ कुछ लोग ऐसे ऐसे कनेक्शन करते हैं, जैसे कि ये इसका जो एक वायर है वो तो इसमें अटैच कर देंगे, ये बल्ब का दूसरा वायर ये वाला वायर, और प्लस ये मिडिल वाला वायर, इसको निकालेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें तो फेज दे देंगे और इसमें न्यूट्रल दे देंगे। तो इस तरीका से ये बल्ब ग्लो करने लगेगा। तो इसका सर्किट डायग्राम कुछ इस तरीका से है, ठीक है। तो इसको अगर हम मतलब प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं, तो उसको अभी हम प्रैक्टिकली भी दिखाते हैं किस किस तरीका से कनेक्शन हो रहे हैं, किस किस तरीके से कनेक्शन नहीं हो रहे हैं। ये तो इसको प्रैक्टिकली बनाने के लिए हमको चाहिए ये टू वे स्विच के दो स्विच, जो इसके तीन टर्मिनल हैं। पीछे देख लीजिएगा, ये टू वे स्विच है ऑन ऑफ का, तीन टर्मिनल इसके साथ है, तीन टर्मिनल इसके साथ हैं। और एक चाहिए हमको होल्डर, चाहे आप इसको किसी भी एंगल वाला ले सकते हैं, या फिर एक हॉरिजॉन्टल वाला ले सकते हैं, या फिर वर्टिकली ले सकते हैं, या फिर हैंगिंग होल्डर, जैसा होल्डर आपको प्रोवाइड हो वैसे का वैसे आप प्रोवाइड करा सकते हैं इसको। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें इसके कनेक्शन बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका जो फर्स्ट टर्मिनल है ये वाला, इस वाले को इसमें ये रेड वायर को अटैच करते हैं इसके साथ, और इसको स्क्रू के थ्रू टाइट कर लेते हैं, स्क्रू टाइट कर टेस्टर के थ्रू, सॉरी। तो इसका जो फर्स्ट टर्मिनल है ये वाला है, तो इस फर्स्ट टर्मिनल में इसके साथ ऐड कर देंगे इसको,
इसका फर्स्ट टर्मिनल, इसका फर्स्ट टर्मिनल, दोनों को हमने, इसका फर्स्ट टर्मिनल और इसका फर्स्ट टर्मिनल दोनों को हमने एक वायर के थ्रू मतलब अटैच कर दिया है, दोनों को जोड़ दिया है ये ट्यूब स्विच का। इसका जो थर्ड टर्मिनल है उसको ब्लैक वायर के थ्रू कनेक्ट करेंगे। इसका थर्ड टर्मिनल इसका थर्ड टर्मिनल ये देख लीजिएगा, इसका और इसका पहले टर्मिनल के साथ, और इसका पहला टर्मिनल दोनों रेड वायर के थ्रू जुड़े हुए हैं, जो कि ये है पहला, ये टर्मिनल पहला टर्मिनल रेड वायर के थ्रू जुड़ रहा है, और दूसरा जो तीसरा टर्मिनल है वो ब्लैक ब्लैक वायर के थ्रू जुड़ रहा है दोनों, उसका स्विच का। जो इसके जो मिडिल वाला जो सेकंड टर्मिनल है उसको हम इस होल्डर के थ्रू मतलब कनेक्ट करेंगे। तो होल्डर को कनेक्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, तो होल्डर को कनेक्ट करने के लिए हम इसको उसके साथ कनेक्ट कर दिया, ये दोनों वायर ये कनेक्ट हो चुके हैं, ये होल्डर के दो वायर निकल चुके हैं इसी होल्डर से, जैसे कि इसमें दिखाया। ठीक है, अब ये जो दो वायर जो होल्डर से निकले हुए हैं इसको इसके सेकंड टर्मिनल से ऐड करते हैं, इसके साथ ऐड कर देते हैं इसका सेकंड टर्मिनल स्विच वन का और स्विच टू का सेकंड टर्मिनल इसके साथ। मतलब ये होल्डर के जो वायर निकले हुए हैं उसका ये सेकंड टर्मिनल से स्विच टू के और इसके सेकंड टर्मिनल से स्विच वन के। तो इसमें क्या करते हैं ये देखिएगा, ये हमारा कंप्लीट प्रोसेस हो चुका है, ये वाला ट्यूब स्विच का स्विच वन ये हो गया, स्विच टू ये हो गया, मतलब स्विच वन ये हो गया और स्विच टू ये हो गया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो सप्लाई दी जाएगी वो सप्लाई या तो आप स्विच वन से ले सकते हो या स्विच टू से ले सकते हो। तो सप्लाई के लिए हम क्या करेंगे कि जो सप्लाई के टर्मिनल है इसके थ्रू देंगे सप्लाई हम, तो इसके जो फर्स्ट टर्मिनल के साथ फर्स्ट टर्म इसमें सप्लाई देंगे पहले और तीसरे टर्मिनल पे, तो इसका पहला टर्मिनल ये है, दूसरा ये, तीसरा ये। तो हमने क्या बोला था, पहले और तीसरे पे सप्लाई देंगे हम इसके। तो पहले टर्मिनल को इसको ओपन कर लेते हैं, जो वायर है इसको भी इसमें इंसर्ट कर दें। ये हमारा सप्लाई का पहला वायर हो गया, दूसरे के लिए हम सप्लाई का जो थर्ड टर्मिनल है इसके साथ अटैच करेंगे।
तो ये सप्लाई के दो वायर निकल चुके हैं हमारे, ठीक है, फर्स्ट टर्मिनल से। तो इन दो सप्लाई के जो वायर हैं इनको हम क्या करते हैं, ये जो दो वायर हैं तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें एक एलईडी लगा लेते हैं इसको, जैसे कि हमने ये एलईडी लगा ली है। ठीक है, और ये हमारे सप्लाई वाले वायर हैं, तो इस सप्लाई वाले वायर को हम इस बोर्ड में इंसर्ट करेंगे, जैसे कि हमने ये इंसर्ट कर चुके हैं इसमें। इंसर्ट करने के बाद में हमने जैसे प्रेस हुई स्विच वन को ऑपरेट किया तो ये ग्लो करने लग गया, तो हम क्या करते हैं कि स्विच टू को जैसे हमने ऑफ किया ऑफ कंडीशन में यहाँ से, तो ये ऑफ होने लग गया। तो जैसे हमने स्विच इसको प्रेस किया टू को तो ये ऑन होने लग गया, और इस वाले को जैसे हमने प्रेस किया तो ये ऑफ होने लग गया, तो ये प्रोसेस कम्प्लीटली चलता रहेगा। तो इससे क्या होगा कि हमारा जैसे कि कहीं भी सीढ़ी पे चढ़ते हैं या फिर किसी जगह पे चढ़ते हैं, तो हमको वहाँ से हमारा जो एनर्जी वेस्ट नहीं होगा, एनर्जी वेस्ट इसलिए नहीं होगा जैसे कि हमने स्विच नीचे से ऑन स्टार्ट किया, जैसे कि ऑन किया तो ऑन करने के बाद हमारी लाइट ग्लो होने लग जाएगी, तो हम ऊपर चढ़ने के बाद में या फिर किसी जगह पे प्लेस पे दूसरे प्लेस पर जाने के बाद में हम उससे दूसरे स्विच के थ्रू उसको ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे इजीली यहाँ से आप देख रहे हो, जैसे हमने इससे स्विच को प्रेस किया, जैसे यहाँ से ऑन हो गया तो ये इस स्विच से ऑफ होने लग जाएगा, और इससे ऑन हो गया तो इस वाले स्विच से ऑफ होने लग जाएगा।